उपवास के नाम पर ठांस ठांस के खाना और उसमें भी न खाने वाले पदार्थों का सेवन करना, ऐसा करने से व्रत तो भंग होता ही है, तन मन पर भी उल्टा प्रभाव पड़ता है। उपवास का सही अर्थ है निराहार रहना अथवा अल्पाहार करना। उपवास वाले दिन भूल कर भी इन वस्तुओं का सेवन न करें। चाय, कॉफी, साबुदाना, कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड फ्रूट जूसेस, बाजारों या घर पर बने मिल्कशेक्स, आलू से बनी हुई चीजें जैसे कि आलू चिप्स, आलू की पकौड़ी, टिक्की, कुट्टू, समा चावल, मुरैया, शहद, आटे की राब, हलवा आदि। उपवास में दूध, फल, मखाने, किशमिश, द्राक्ष, फलाहार सब्जी जैसे लौकी, सूरन, पीला पेठा, शकरकंद का सेवन कर सकते हैं। उपवास वाले दिन हल्के गर्म पानी में नींबू मिलाकर ले सकते हैं, क्योंकि ठंडा पानी पियेंगे तो जठरा मंद हो जाएगी। मोटापा है तो कड़ा उपवास जरूर करें, लेकिन अगर दुबले पतले या बीमार हैं, डायबिटीज है, कमजोरी है, तो थोड़ा फल, किशमिश, द्राक्ष आदि ले लें। 22 मार्च से चैत्री नवरात्रि है। नवरात्रों के उपवास स्वास्थ्य लाभ एवं मनोरथ पूर्ति के लिए वरदान है। 9 दिन न कर सके तो नवरात्रि के आखिरी 3 दिन तो उपवास जरूर करें और मंगलमय डिजिटल को फॉलो और सब्सक्राइब करें।